The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार। नींद तो सभी को आती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन अगर आप ठीक से नहीं सो पाते और रेगुलरली ठीक से नहीं सोते हो तो आपके शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। शरीर को उसका आराम चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अगर आप उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पा रहे हो, किसी भी कारणवश सो नहीं पा रहे हो, तो प्रॉब्लम होगी। इसी बीमारी का नाम है इनसोम्निया। इनसोम्निया कोई मेडिकल कंडीशन, मेडिकल बीमारियों के वजह से भी हो सकती है और प्लेन सिंपल साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिक कंडीशन, स्ट्रेस, कई सारी बीमारियों से, कई सारे साइकियाट्रिक कंडीशन से भी, दिमागी कंडीशन से भी हो सकती है और अनहेल्दी स्लीप हैबिट से भी हो सकती है। मतलब बस कुछ है नहीं, हम बस रात को मोबाइल में लगे रहते हैं, फेसबुक लगे रहते हैं, यूट्यूब लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, अनहेल्दी स्लीप हैबिट्स, वट एवर इट इज। कुछ सब्सटेंसेस खाने अब्यूज से भी हो सकती है और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स से भी हो सकती है, वो हम बात करेंगे आज। और कई खतरनाक रिसर्चेज हुए हैं इस पे, जिसपे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ब्रेन के ऊपर स्टडीज हुई हैं। ब्रेन के प्रॉब्लम से भी इंसोम्निया आ सकती है, जिसमें कि आपको स्लीप साइकिल प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्लीप वेक साइकिल में प्रॉब्लम आ सकती है। कभी नॉर्मली ब्रेन में ये होता है, वन थिंग इज टर्न डाउन, वन थिंग इज टर्न ऑफ, तो आपके साइकिल में प्रॉब्लम हो जाए तो देयर इज अ वेरी बिग इश्यू वेयर यू गेट डिफिकल्टीज इन प्रॉपरली गेटिंग द डीप स्लीप विच यू नीड। सो पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मेडिकल बीमारियां ऐसी कौन सी हैं जो आपको सोने नहीं देंगी, स्लीप प्रॉब्लम्स जिसके वजह से आती हैं, राइट? कुछ माइल्ड है, कुछ सीरियस है, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस है। मेडिकल कंडीशंस अपने आप में कॉज कर रही हैं इनसोम्निया और इसमें सबसे कॉमन है आपका नाक बंद होना या नाक या साइनस की एलर्जी। जब नाक बंद होता है, साइनस की एलर्जी होती है, उसके वजह से भी स्लीप प्रॉब्लम आ जाती है। पेट में अगर रिफ्लक्स हो रहा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के वजह से भी लोगों को नींद खुल जाती है, दिक्कतें आने लगती है। या फिर हाइपरथायराइडिज्म, आपकी बॉडी के अंदर जो रेस देने वाला थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन है, अगर आपकी बॉडी सुपर चार्ज स्पीड में जा रही है भुर भुर भुर, तो फिर आपको नींद नहीं आती है। यू बिकम वेरी मच एक्टिव एंड रात भर जागते रहते हो, ऐसा आँख खोल खोल के। सो दैट इज देयर। एंड देन देयर इज आर्थराइटिस, दर्द के वजह से, अस्थमा, सांस नहीं आ रहा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पार्किंसन डिजीज, कोई भी क्रोनिक पेन हो जाए, कोई भी लोअर बैक पेन हो गया, इन सारी कंडीशंस में कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां, कुछ ऐसी हार्ट की बीमारियां, हार्ट की थायराइड की दवाइयां, अस्थमा की दवाइयां, डिप्रेशन की दवाइयां, राइट, बर्थ कंट्रोल की दवाइयां भी इंसोम्निया कॉज कर सकती है। तो सोचो कितनी सारी मेडिकल कंडीशंस हैं इंसोम्निया कॉज करने की, नींद नहीं आने की, राइट? और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, स्लीप डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, स्लीप एपनिया, जो मोटे हो जाते हैं उनका गला ही इतना भारी हो जाता है, टंग इतनी भारी, पीछे दब के सांस की नली दब रही है, फर फर खराटे आ रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, तो स्लीप एपनिया भी ऐसे करते। स्लीप एपनिया पे हमारा अलग से वीडियो है, राइट ना? लिटरली इन सारी कंडीशंस पे हमारा अलग से वीडियोज़ हैं, आप ढूंढ के देख सकते हैं। ढूंढने के लिए कंडीशन बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर टाइप करें, राइट अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है। अगर आप बेसिक चीज के बारे में बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉब्लम करती है ना, स्लीप साइकिल। अगर आप रेगुलर बेसिस पे रात को टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी बिग इश्यू विच यू विल हैव कि आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट? सो दिस इज अ बिग बिग इश्यू ऑफ लाइफस्टाइल। Insomnia can be triggered by your behavior, your sleep pattern, your unhealthy lifestyle, your sleep habits can actually create insomnia और अपने आप में बिना किसी बीमारी, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी कोई दवा के, ऑल टुगेदर है। क्या क्या एग्जाम्पल भाई साहब, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम इन द इवनिंग, राइट, आपको हो सकता है काम चले जा रहा है, अरे 2 मिनट रुक जाओ, अरे खाना छोड़ दो, अरे 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, हाँ अब खत्म हुआ काम, 1 बजे तक काम हुआ, फिर उसके बाद में थोड़ा ये देखते, थोड़ा वो देखते, 3 बज गए, अब सोता हूँ। इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम दिस इज अ वेरी कॉमन सिनारियो, very very common scenario. It's very 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 hard. So आपको कंप्यूटर की लाइट भी आपके ब्रेन को अलर्ट रखती है, लाइट मोबाइल की लाइट भी आपके ब्रेन को अलर्ट रखती है, तो नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है। अगर आप बीच बीच में नैप्स ले रहे हो, दोपहर में सो जाते हो 2 घंटा 3 घंटा, तो ये शॉर्ट नैप्स कई बार हेल्पफुल भी होती है, लेकिन कई बार ये रात को सोने में डिफिकल्टी कर सकती है। सो शॉर्ट नैप्स माइट बी हेल्पफुल अगर आप रात को टाइम ही नहीं मिलता, बट इफ यू हैव टाइम एंड टेकिंग शॉर्ट नैप्स दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स। सो शॉर्ट नैप्स भी ध्यान से यूज करिए। उसके बाद समटाइम्स यू स्लीप लेटर टू मेकअप फॉर योर लॉस स्लीप। यहां पर बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि यार रात को सोए नहीं सुबह सो रहे हैं, रात भर सोए नहीं सुबह उठ के सो रहे हो, तो स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। यही चीज होती है जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आते हैं, जेट लैग होता है, द सेम थिंग। वर्क शिफ्ट चेंज होती है तो भी ऐसी होता है, कभी मॉर्निंग कभी नाइट शिफ्ट, कभी ये शिफ्ट कभी वो शिफ्ट, तब भी ऐसे ही होता है, शेड्यूल चेंज होता जाता है। कुछ केसेस में ये एक्यूटली शुरू होता है इंसोम्निया की 4 दिनों की नींद नहीं है, कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म होता है कि महीनों से ढंग से सोए नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम आपके बॉडी के ऊपर क्रोनिक प्रॉब्लम करेगी, आपके बॉडी को वीक करेगी, डार्क स्किन खराब करेगी, एब्जॉर्प्शन पावर, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग विल बी स्लोड डाउन, योर कॉर्टिसोल लेवल्स विल इंक्रीज, योर टेस्टोस्टेरोन विल डिक्रीज, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, राइट। लिटरली यू कैन हैव मोर डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस। साइकेट्रिक कंडीशंस डिप्रेशन के वजह से नींद नहीं आती है, ऐसा भी होता है, और नींद नहीं करने के वजह से डिप्रेशन आने लग सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो सकती है। यू कैन हैव कई सारे लो मूड फील करना, काम करने का मन नहीं करना, एनर्जी नहीं, इंटरेस्ट नहीं, मोटिवेशन नहीं, सैडनेस, राइट, होपलेसनेस फील करना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, समथिंग लाइक दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ इंसोम्निया। एंड अगर ऐसा पहले से है तो इसके वजह से इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया कैन बी एसोसिएटेड विद एंजाइटी। एंजाइटी यानी नर्वसनेस, वरीडनेस, ये सब चीज़ें हो सकती है। रेगुलर बेसिस पे आपको कोई भी टेंशन है, कोई भी थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, किसी एक फ्यूचर इवेंट, कोई आगे होने वाली चीज़ के बारे में बहुत वरी कर रहे हो, ओवरवेल्म फील कर रहे हो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, राइट, या जनरली जस्ट ओवर स्टिमुलेटेड हो, तब भी इन सब चीज़ों से यू कैन हैव insomnia. It's very difficult to get rid of anxiousness. Anxious feeling होती है, panic attacks आ सकते हैं, किसी को रात को अजीबो गरीब झगड़ा हो गया घर में, panic attack हो रहा है, it's a very common scenario. So a lot of things can happen, but ultimately your body will suffer, right? Cortisol high होगा तो obesity बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, वेट लॉस नहीं कर पाओगे, वेट गेन होगा, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, इंसुलिन लेवल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज के रिस्क बढ़ेगा, मसल लॉस होगी, टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा। मजाक नहीं है भैया, पूरी दुनिया भर की, हर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आने लगती है इंसोम्निया से। और यहां तक लिमिटेड नहीं है, द थिंग्स यू ईट ऑल्सो अ मैटर। अल्कोहल ले रहे हो, इट्स अ सेडेटिव, कायदे से तो वो आपको नींद दिलाएगा पहले पहले इनिशियली, बट ये आपकी बीच में नींद तोड़ देगा, तो डीप स्लीप नहीं आएगी। इट्स अ सेडेटिव, शांत हो जाते हो, नींद आने लगती है बट डीप नहीं आती। कैफीन इज अ स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट है, 6 घंटे तक नींद नहीं आएगी। शाम को 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे कॉफी पी ली, चाय पी ली, उसके बाद 6 घंटे नींद ही नहीं आ रही है। कैफीन इज अ प्रॉब्लम। इंसोम्निया का नंबर 1 रीजन है कैफीन इंडिया में। निकोटीन स्मोक अगेन कैन कॉज स्टिमुलेशन, बेड टाइम पे ले लिया, नींद नहीं आ रही। हैवी मील, ज्यादा खाना खा लिया, गर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन, एसिडिटी, नींद नहीं आ रही। सो इट्स अ बिग थिंग, राइट। सो मेनी टाइम्स इवन ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें से कम एक चीज तो कर रहे होंगे आप, कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम और हैबिट्स में प्रॉब्लम। नहीं तो देख लो भैया, सुधरो, राइट। ब्रेन के अंदर बहुत केमिकल लोचे होते हैं, केमिकल इंटरेक्शंस होता है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्लीप, एंड इफ यू डोंट स्लीप प्रॉपरली यू विल स्ट्रगल विथ योर डे टू डे एक्टिविटीज, यू विल नॉट बी एट योर बेस्ट। आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे नहीं रहोगे, आप अपने बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं रहोगे, परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे पाओगे, एवरीथिंग विल कॉज अ प्रॉब्लम। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, कोई भी हो, कोई भी हो। So sleep is very very important, and this is the why. These are the concise reasons why you are having sleep problem. Literally every third person has sleep problems. Every third person has a sleep problem, so don't ignore it. ठीक है, सही मात्रा में नींद लीजिए, सही टाइम पे नींद लीजिए, नींद को इंपॉर्टेंस दीजिए तो ही आप ठीक होंगे। और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कारण नहीं पता हो तो ठीक कैसे करोगे। व्हाट कैन आई डू, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग इन योर लाइफ एंड करेक्ट इट। हाउ टू करेक्ट इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज रॉन्ग। ज्यादा चाय पी रहे हो, चाय पीना बंद करो, स्मोकिंग करो, स्मोकिंग करना बंद करो, चिंता कर रहे हो, चिंता करना बंद करो। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। मेडिकल कंडीशन उसको ठीक करो, दवाई ले रहे हो डॉक्टर से बात करो। सो डू दैट, ठीक है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के लिए आप इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स वाले वीडियोस हमारी बाउंड्री में देख सकते हैं चैनल पे। उसके लिए सर्च करिए डॉक्टर एजुकेशन और अपने टॉपिक का नाम आपको पक्का मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।